नमस्कार, देश और दुनिया की खबरों के साथ मैं निधि हाजिर हूँ एमपी न्यूज पर। और सबसे पहले आपको बता दूं कि डिजिटल होती जा रही इस दुनिया में फ्रॉड केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर फर्जी वेबसाइट्स बनाकर जनता को धोखा देने की शिकायतें सामने आई है, जिस पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सावधान किया है, जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। दरअसल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसे शॉर्ट में प्रधानमंत्री कुसुम योजना कहा जा रहा है, ये योजना लागू की गई है, जिसके तहत कृषि पंपों के सोलराइजेशन के लिए 60% तक अनुदान दिया जाता है। इस योजना को राज्य सरकार के विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें किसानों को केवल बाकी का 40% ही विभाग को जमा करवाना होता है और ये सब कुछ एक वेबसाइट के माध्यम से होता है। मंत्रालय के मुताबिक योजना की शुरुआत के बाद से ही पता चला है कि कुछ वेबसाइट्स ने पीएम कुसुम योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल होने का दावा किया है। ऐसी वेबसाइटें आम जनता को धोखा दे रही हैं और फर्जी पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से उनसे रुपए, यहां तक कि उनका पर्सनल डेटा भी एकत्रित कर रही है। आम जनता को किसी भी नुकसान से बचने के लिए मंत्रालय ने पहले पिछले साल 18 मार्च को और उसके बाद इस साल 3 मार्च और अब फिर से 10 अक्टूबर को लाभार्थियों और आम जनता को ऐसी किसी भी वेबसाइट पर पंजीकरण शुल्क जमा नहीं करने और अपनी जानकारी साझा ना करने की सलाह दी है और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। कुछ वेबसाइट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल होने का दावा कर रही हैं और जनता से पैसे भी लिए जा रहे हैं और उनकी पर्सनल जानकारियां भी एकत्रित की जा रही हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और किसी भी वेबसाइट पर इस तरह के शुल्क जमा करने से बचिए। बात करेंगे कि इंटरनेशनल अपडेट की, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन सेवा ऑरेंज लाइन ने लाहौर में अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC की बात कर रहे हैं। इसके तहत एक प्रारंभिक परियोजना के रूप में ऑरेंज लाइन का निर्माण चीन की स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड और चीन नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने किया है। निर्माण के 5 साल के दौरान ऑरेंज लाइन से 7,000 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और अब संचालन और रखरखाव के चलते भी 2,000 और लोगों को रोजगार की बात कही गई है। रविवार को इसके उद्घाटन के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि ऑरेंज लाइन पहली इको फ्रेंडली परिवहन परियोजना है जो लाहौर के लोगों को विश्व स्तरीय यात्रा सुविधाएं प्रदान करेंगी। चीनी वाणिज्य दूत लोंग डिंगबिंग ने कहा कि ऑरेंज लाइन CPEC की एक और बड़ी उपलब्धि है और ये लाहौर में यातायात की स्थिति को और बेहतर बनाएगी। ट्रेनों के 27 सेट चलेंगे जो रोजाना 2.5 लाख यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और किफायती यात्रा की सुविधा देंगे। तो पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन सेवा ऑरेंज लाइन ने लाहौर में अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो नेशनल इंटरनेशनल अपडेट्स में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरें MP News पर लगातार बनी हुई है, आप भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए MP News। धन्यवाद।